हाम्रो नित्य निकेतनको वार्षिक एक्जाम छ र मेरो नाम मेडिका राई हो, म यहाँको लाइक इन्स्ट्रक्टर भनौँ न टिचर। आज हाम्रो इयरली जसरी सधैँ जस्तो हुन्छ त्यसरी नै आज पनि यहाँ एक्जाम भइरहेछ र हाम्रो एक्जामिनर मिसेस देवजानी पल उहाँ जलपाइगुडी सिलगढीबाट आउनुभएको, प्लिज वेलकम गरौँ उहाँलाई पनि। प्लिज टाइममा बताउँछ यो पनि लगाऊ सबैले हामी वेलकम गरौँ। मिसाल सबैजना म खाता ल्याउनु न बाबा, से वेलकम है, वेलकम भन्दै खाता लगाइदिनु ल। दर्शकहरूलाई हामी देखाइरहेको छौँ, विशेष यस समयसम्म हामी वार्ड नम्बर 3 सुक्खा नगर क्षेत्रमा छौँ। विशेष गरेर आज नित्य निकेतन मिरिक एउटा जो डान्स इन्स्टिट्युट हो, त्यो डान्स इन्स्टिट्युटद्वारा आज यस समय यहाँनिर एक एक्जाम कन्डक्ट हुन गइरहेको छ विद्यार्थीहरूमा। आज हाम्रो अगाडि स्क्रिनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यस डान्स इन्स्टिट्युटका डाइरेक्टर फाउन्डर मिस मेडिका राई पनि हुनुहुन्छ, साथै यहाँनिर आज जसले एक्जाम दिइराख्नु भएको छ उहाँलाई यहाँ क्लासका स्टुडेन्ट्सहरूद्वारा उहाँलाई वेलकम जनाइरहेका छन्। तपाईँले अहिले भिजुअलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एकजना टिचर्स हुनुहुन्छ देव मिसेस देवजानी पल पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आज यहाँनिर नित्य निकेतनका जति पनि विद्यार्थीहरू छ विद्यार्थीहरूलाई एक्जाम गराइरहेका छन् र यहाँनिर प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुभएको छ। नानीले आजको यस एक्जाममा डान्सलाई लिएर के कस्तो इम्प्रुभमेन्टहरू गरेको छन् भन्ने विषयहरू लिएर थ्याङ्क यू अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू अल द बेस्ट ओके ओके नानु अब सबै यता बस्छ, अब क्लास वाइज हामी गर्छ ल। के साथ नम्बर आफ्नो पेन चाहियो। विशेष गरेर आज नित्य निकेतन मिरिकद्वारा जुन एक्जाम भइरहेको छ यस समय दुईवटा क्याटेगोरीमा एक्जाम भइरहेको छ, अनि फोक डान्स दुईवटा क्याटेगोरीमा एक्जाम भइरहेको छन् र यहाँनिर एकजना टिचर हुनुहुन्छ डान्स टिचर, उहाँद्वारा एक्जाम गरिँदैछ र साथै यहाँ जो बसिरहनु देखिरहनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नित्य निकेतन मिरिकका डाइरेक्टर मेडिका राई र उहाँको उपस्थितिमा विशेष यस कार्यक्रम रहनेछ र यहाँनिर विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र यहाँनिर दुईवटा क्याटेगोरी भारत नाट्यम अनि फोक डान्स दुईवटा, यहाँनिर प्यारेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सहरू पनि आफ्नो नानीहरूले के कस्तो इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ र आजसम्म उहाँहरूको नानीहरू के कस्तो डान्सहरू सिकाएको छ त्यो अश्विनी आसियाना वेदिसाङ नायुमा सॉरी कायुमा लिरिप बहुत अच्छा लगा नित्य निकेतन में आके, इतना अच्छा देख के मुझे लग रहा है कि ये भरतनाट्यम सिखाते हैं मिरिक में आके, भरतनाट्यम देखने पा रही हूँ मैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डेडिकेशन से ये सिखाते हैं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा सब बच्चे ने किया कि मतलब मैं स्पीचलेस हूँ कि क्या बोलूँ। मेरा नाम देवजानी पाल है, सिलीगुड़ी में रहती हूँ। हाँ, मैं खुद ही भरतनाट्यम का टीचर हूँ। हाँ हाँ, सिलीगुड़ी में। स्कूल में या इंस्टीट्यूट में क्या टीचर करते हैं? स्कूल में भी हूँ एक, और मेरा खुद का डांस स्कूल है छंद मल्लिका कह के, तो मैं भी भरतनाट्यम सिखाती हूँ। लेकिन इधर आके मैं इतना अच्छा बच्चों को देख के मतलब देखना पाऊंगी तो ये सोचा ही नहीं था, तो इतना अच्छा किया। कुछ डिफरेंस नहीं है, बल्कि इतना अच्छा सीख रहे हैं ये सब बच्चे लोग, एकदम बहुत बढ़िया। और की प्रैक्टिस जो भी इधर का जो बच्चे लोग भरतनाट्यम ये डांस का क्लास ले रहे इधर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई चल रही है उसका, इसकी पोटेंशियल क्या होगा फ्यूचर में जाके? कब ऐसा भी हो रहा है कि हमारे जितना भी आर्टिस्ट है उसको सिर्फ क्लास करके सर्टिफिकेट लेके घर में बैठना है? नहीं, बहुत ऐसा देखा है हमने, मतलब किसी में फील्ड में फील्ड भी मिला है। आपके सोच में क्या है? नहीं, डेडिकेशन से कुछ भी सीखने के लिए वो डेडिकेशन चाहिए होता है, और जिसका डेडिकेशन है ये सब कल्चर के मतलब कल्चर को जानने के लिए, तो वो कभी घर में बैठ के नहीं रहेगा, वो
हमेशा कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, और फ्यूचर में अगर ये मैम इतना अच्छा सिखा रहे तो फ्यूचर में इनका बच्चा मतलब स्टूडेंट्स वगैरह अगर आगे ये कल्चर को लेके जा सकेंगे तो बहुत बढ़िया, हो मैम के लिए भी बहुत बढ़िया और सबके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि नेपाली लोग तो सिर्फ नेपाली कल्चर में ही रहते हैं, हम तो उस वही मतलब इतना देर से तो यही देख के आए, लेकिन ये भरतनाट्यम क्लासिकल फॉर्म सीखते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम अलग अलग एकदम अलग।